नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अड़की प्रखंड के चुकलू गांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के विधायक प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा के समर्थन में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की डबल इंजन सरकार पर तीखे हमले किए। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, हमारे द्वारा राज्य में चलाई जा रही योजनाओं को एनडीए की सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। जब भी हम राज्य के विकास के लिए कोई नई योजना लाते हैं, तो वे उसे बंद कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही मेरा सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसे दिसंबर से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया और बिजली बिलों में भी राहत दी है। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो राज्य में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होगी और इसके लिए बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। इस मौके पर झामुमो के विधायक प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा ने भी जनसभा को संबोधित किया और अपने कार्यकाल में किए गए विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि वे उनके समर्थन से क्षेत्र का और अधिक विकास करेंगे, कई अधूरे कामों को पूरा करेंगे। जनसभा में उमड़ी भीड़ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो प्रत्याशी विकास कुमार मुंडा का समर्थन किया। सोना न्यूज के लिए तमार से विनोद बनर्जी की रिपोर्ट। लेकिन इस बार हमारे चुनाव आयोग ने 5 साल पूरा होने से पहले चुनाव का घंटी बजाया। प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। 13 तारीख को आपकी हर बड़ी अच्छी बात है कि आपको बहुत मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है। 1 नंबर ईवीएम मशीन का बटन है, महागठबंधन आपके ही भरोसे। जब हम आप लोग के बीच में काम करना शुरू किया तो हमारे उपज के लोग जो एनडीए गठबंधन का है, सब कमल छाप, केला छाप, तीर छाप और कौन कौन छाप मिलकर के लोग गठबंधन बनाया है, ये लोग हमको काम ही नहीं करते। हम 32,000 खद्यान नीति बनाते हैं तो कोर्ट में पीआईएल कर देता है। हम आप लोगों के लिए मैया सम्मान योजना लाते हैं तो पीआईएल कर देता है। जो भी हम काम करें उसमें कोर्ट में लेके जाकर करता है। लेकिन हम लोग हार नहीं मान रहे, हम लोग लगातार काम करते रहे। आज हमसे ज्यादा इस जल जंगल जमीन को और कोई नहीं जानता, शिबू सोरेन से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमारे गांव देहात के लोगों को क्या चाहिए, हमारे यहाँ के ग्रामीणों को क्या चाहिए, वो सारा हम लोगों का दिमाग है। गांव देहात में लोग बिजली का बिल चुकता करने के लिए माँ बहने अपना गहने बेचते थे, गिरवी रखता था, घर बंधक रखता था, मोटरसाइकिल बंधक रखता था, तब बिजली का बिल कटता था। और आज आपका वो बोझा हम लोगों ने अपना कंधा में लिया और आज आपका सारा बिजली का बिल माफ कर दिया। पहले तो बिजली भी कभी कभी आता था लेकिन बिजली का बिल समय पे आ जाता था, लेकिन आप बिजली 24 घंटा आएगा और बिजली का बिल कभी भी आएगा। यह इस राज्य की महिलाओं को सबसे पहले इनके पैरों पर खड़ा करने का काम करें और इसके लिए हम नियम बनाया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेके आए और उस पर पहला कदम हमारा चला कि आज इस राज्य की हर महिलाओं को लगभग 50 लाख से अधिक, अभी बढ़िएगा, 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में अभी 1,000 रुपया महिला लोग बताइए जा रहा है। कुछ लोगों को छूट छाट दिया, किसी का केवाईसी, किसी का बैंक का खाता गड़बड़, वो भी हो
पहुंचाने पर हम साथ हैं। उस संकल्प का पहला कदम तो हम 1000 रुपए का उठ चुका है और दूसरा कदम उठने वाला है जो हमने निर्णय ले लिया है, ये दिसंबर माह में जो 1000 रुपया है ना, वो 1000 रुपया बढ़ करके आपका 2500 रुपया होने जा रहा है। अभी हमारे गांव देहात में बेटी लोग को बोझा मानते हैं, 8वां 9वां पास करता नहीं है उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगते हैं। ये काम बंद कर दो, आप बेटी बोझा नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। आप इनको हमने सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा है, आने वाले समय में इंजीनियर डॉक्टर वकील जो भी बनाना है कराइए, उसका पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी। हमारा अपने बाल बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाइए, इसके लिए मुख्यमंत्री के गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग लेके आए हैं। गांव देहात में हम लोगों को कौन बैंक लोन देता है, कोई नहीं देता, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओ, बैंक के सामने पटको और अपना बच्चों को इंजीनियर वकील जो भी पढ़ा रहा है उसके लिए 15 लाख रुपए तुरंत आपको दे देगा, कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन में ऐसे ही हुजूर बना के निकलिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, बहुत से याद रखिएगा। एक नंबर है भी है मशीन में, इतना बटन टीपो, इतना बटन टीपो, उसका टेन का जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी का कान का पर्दा फट जाए और विजय बना के मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद, ये पहले मुख्यमंत्री होंगे पूरे राज्य के जो अड़की के दक्षिणी क्षेत्र में आए, और यहाँ के सभी लोगों ने उनका तहे दिल से स्वागत भी किया, उनकी बातों को सुना भी, और मुझे लगता है कि उनके आने से निश्चित तौर से प्रभाव भी पड़ेगा, और ऐसे भी इस क्षेत्र के लोग को पता है कि कौन उनका हमदर्द है, कौन उनके साथ में चलता है, पूरे 5 साल उनके साथ में रहता है, और मैं मानता हूं कि पूरा क्षेत्र आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ को मजबूत करेगा और हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए सोना न्यूज टीवी। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको बनाएगी अपनी सरकार। ये अपने चैनल सोना न्यूज झारखंड पर ठीक रात 9 बजे विनोद बनर्जी के साथ।